कविता जिम्मेदार मंच से प्रस्तुत करना चाहता हूं, और इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मैंने बहुत खत लिख दिए, दिल्ली ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। तब मैंने यह तय किया कि एक कविता लिखकर जनता जनार्दन के बीच जाऊंगा, जनता से आशीर्वाद लूंगा और एक आंदोलन खड़ा करूंगा, जागृति चेतना खड़ी करूंगा, शायद मेरे हिंदुस्तान की धरती हिंदुस्तान के पास वापस आ जाए। 81,000 वर्ग किलोमीटर, दिनेश भाई ने बात उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। कश्मीर का 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आज पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। अगर दोनों क्षेत्रफल को मिला लिया जाए तो 54% कश्मीर पर विदेशियों का कब्जा है, केवल 46% कश्मीर पर हम भारत का नक्शा बनाते हैं। साहब, नक्शा बनाने से कश्मीर हमारा नहीं हो सकता। मैं उस जगह जाकर आया हूं, मैं वहां सैनिकों के दर्द को समझकर आया हूं, तब इस मुद्दे को खड़ा करता हूं। दो बार दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किए गए कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे, लेकिन 1994 के बाद आज तक इस विषय को वापस किसी सदन में नहीं उठाया गया। सौभाग्य से कुछ साल ऐसे हैं जब हिंदुस्तान को एक योग्य प्रधानमंत्री मिला हुआ है, तब मैं दाता के माध्यम से अपनी आवाज को जनता जनार्दन के माध्यम से वहां तक ले जाना चाहता हूं। बहुत छोटी सी कविता, 6 मिनट की कविता है, अगर आप मुझे 6 मिनट बर्दाश्त, मैं जानता हूं ऐसी बातें मैं कर सकता हूं गुस्से की, जिसमें बहुत तालियां उठेंगी, लेकिन अच्छी कविता सुनाने के लिए मैं आपसे समय की भीख मांगता हूं। 6 मिनट के मुझे देश के लिए 6 मिनट दे दीजिए, मैं आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। छोटी सी कविता आपके बीच रखता हूं, बस ये आशीर्वाद, ये चेतना बनाए रखना और ये हलचल थोड़ी सी रोक देना, हलचल रोकना थोड़ी सी, निवेदन करता हूं किसी के पास से कोई उठे तो उसको बिठा देना यार थोड़ी देर के लिए, 6 मिनट की बात है, निवेदन करता हूं। स्वागत है दादा, स्वागत। मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, मुझे समझ में आएगा कि आप कविता सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो 2 पंक्तियों के बाद जय हिंद बोलकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वाह, कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है। वृक्ष का जवाब सुनिएगा, हिंदुस्तान की तस्वीर देखिएगा, नक्शा बनाता हूं। वृक्ष ने कहा, कुलाड़ी मेरे ही वंश का अंश यदि मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा मेरे कुल की, मेरे वंश की औलाद है, ये अगर तुम्हारा साथ नहीं देता कुलाड़ी तो शायद तुम मुझे काट नहीं पाती। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हार नहीं मानी थी हमने, दद्दू समर्पित करता, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये, बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में, जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है, हाथ उठाना। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत माता मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह 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 वाह, वो जी यारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में, क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझो तो मैं हार गया। कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुस कर मार गया, कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर। मेरे दोस्त बहुत बड़े टिप्पणीकार, देश का बड़ा नाम शांति तूफान कहता है, वो टीम कभी मैच नहीं जीता करती जो गोल बचाने का काम करती है।
गोल दागने वाली टीम मैच जीता करती है सर। वाह वाह वाह। उजियारे की उत्कंठा थी यार दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में, क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया, कायरता की कालिख मोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर, अरे कुलारी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर, जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। वाह वाह वाह। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बस यार इस पंक्ति पर ऐसी चेतना बनाकर रखना जितना मुझे प्यारा है, मुझे पता लगना चाहिए कि दाता की धरती को भी भारत माता का मस्तक उतना ही प्यारा है। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। वियतनाम के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए, दिल्ली में उन्होंने गांधी की समाधि के दर्शन किए, अकबर रोड के दर्शन किए, तब उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का स्मारक कहां है। उस दिन दिल्ली शर्मसार हो गई साहब, उनको राजस्थान लाना पड़ा, और जब देश के दो बड़े मंत्री उनको उदयपुर लेकर आए, उन्होंने महाराणा प्रताप के स्मारक के दर्शन किए, अष्टांग प्रणाम करने के बाद उस स्मारक से मिट्टी उठाकर अपने आलीशान बैग में रखने लगे, तो पत्रकारों ने पूछा, राष्ट्रपति जी इस मिट्टी का आप क्या करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति का जवाब सुन लेना, वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा, यह मिट्टी नहीं है, स्वाभिमान का चंदन है, मैं इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम की धरती पर इसका लेपन करना चाहता हूं, तिलक लगाना चाहता हूं, वियतनाम की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, तब निवेदन करता हूं, हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला, पांच गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा की होंकारों से, और अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। वाह जलियांवाला कमाल, आपने तो महोत्सव कर दिया साहब इन पंक्तियों पे। वाह वाह। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, याद करो हम हंसते फांसी पर भी झूल गए। वाह भाई साहब, वाह वाह कमाल, याद करो हम हंसते तंग हिमालय की गोदी में अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कमाल है। मेरे मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे, कानू पंडित, थोड़ा सा भाषा का फर्क पड़ा होगा, लेकिन जब मेवाड़ में यही लड़का खड़ा होता है ना, तूफान मचा देता है, जैसा आज दिनेश ने किया ना, वही काम कानू पंडित वहां करता है, दिनेश पूरे देश में करता है, अभी विदेश नहीं गया, विदेश भी इंतजार कर रहा है, इसके लिए मुझे फोन आते हैं कि दिनेश कैसे आ सकता, दिनेश देसी घी को बुलाना है। और आपने जिस प्रकार से आज दिनेश को सुना है, सही बता रहा हूं, मैं सलाम करता हूं यार आपको, बहुत अच्छी कविता पढ़ी भाई गोविंद जी ने, बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, शहीद के प्रति श्रद्धा का समर्पण। मैं एक बड़े व्यक्तित्व को जो गीतों का विश्वविद्यालय होता है, मैं जब इनको सुनता हूं तो मुग्ध हो जाता हूं, और तब मानता हूं कि मंचों से कविता कभी अस्त नहीं हो सकती जब तक भागीरथ जी जैसे लोग जिंदा हैं। वाह 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 वाह। कभी गुलामी की जंजीरें कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में शीश हमारे झुके नहीं,
हमने पर्वत चीर दिए थे, पंक्ति सुनिए, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से और नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर, कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, और समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के दर्रे दर्रे पर अधिकार हमारा है, भारत मां का मस्तक हमको। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका दुगना समर्पण मांगता हूं। जिनका पौरुष मर जाता है, ये पंक्तियां यहीं से लेकर गया हूं मैं। पिछली बार दाता आया था 2 साल पहले, तब इन पंक्तियों को मैंने लिखा, आप लोगों के दर्शन किए तो ये पंक्तियां हो गई। निवेदन कर रहा हूं, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। वाजिब, नहीं धड़कता, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। बड़े लोगों का आशीर्वाद अमूल्य होता है, जो कुर्सी पर बैठे लोग, वरना कुर्सी पर बैठने वाले लोग ताली बजाने में उनके हाथ 20-20 किलो के हो जाते, नहीं उठते साहब। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने कविता को जितना आशीर्वाद दिया है मैं धन्य हो गया। मेरे पिता, मेरे माता, मैं जब वो जिंदा थे तब तक मंच पे खड़ा होकर उनको कविता नहीं सुना पाया। दाता में खड़ा हूं, सच कह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे माता पिता की आत्मा यहाँ विराजमान है, मैं उनको कविता सुना। अद्भुत भाई साहब, अद्भुत। अरे ये भाई साहब कविता की ताकत ही है। आप कहते हो जी बड़े लोगों के हाथ नहीं उठते, मैं खून दिनेश भाई इज्जत से कविता पढ़ी, सरपंच जी का घरा कानी पक्को नहीं उठ रहा मैंने। ये सप्लीमेंट्री वाले एक बार हो। ये सब आनंद, ये तो हरीश है। किसी भी महफिल में लोग अगर रो भी रहे हो ना, हरीश को खड़ा कर दो, रोते रोते हंसने लग जाएंगे। अंतिम पंक्तियां सुपुर्द करता हूं, और किस चेतना के साथ सुननी ये नहीं कहना चाहता क्योंकि दाता मैं खड़ा हूं, निवेदन कर रहा हूं। संघर्षों के विवस्वान कमंडकार से युद्ध करो। मैं नहीं कहता कि छोटी मोटी घटनाओं के लिए युद्ध की जरूरत है, नहीं, लेकिन शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, तुलसी ने लिख डाला, भाई बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। बहुत कमजोर, मुझे बहुत अपेक्षा थी इन पंक्तियों पर, माफ करना मुझे, लेकिन अब मैं और अधिक चेतना की पंक्ति पहुंचाता हूं, फिर देखता हूं कौन सा हाथ खामोश रहता है। निवेदन करता हूं, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है, युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का पक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, संकेत में समझना, कविता संकेत करती है, जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, अरे पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। अद्भुत बंधन, जय जय जिंदाबाद।
संघर्षों के विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो, वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। वाह वाह। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो, कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो, कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो और चक्र सुदर्शन धारण करके अरिदल का संहार करो। मैं भी एक चुनाव लड़ रहा हूं साहब, चुनाव इस बात का लड़ रहा हूं कि अगली जो दो पंक्तियां हैं अगर हिंदुस्तान नकार देगा मैं कविता पाठ करना बंद कर दूंगा। अब आप मुझे जिताते हैं कि हराते मुझे नहीं पता, पंक्ति पढ़ रहा हूं। अब धीरज का धरण किया तो देश बहुत पछताएगा। अरे युद्ध घोष कर डालो वरना श्रीनगर भी जाएगा। वाह अद्भुत। आज की सबसे बड़ी जरूरत हकीकत भाई साहब प्रणम में युद्ध घोष कर डालो। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है, नेत्र तीसरा खोलो शंकर तप्त लहू की धारा है और भारत माँ का मस्तक हमको भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। जय हिंद जय भारत। हेलो हेलो।